हाँ हाँ ये कर लो पहले बतिया लो बतिया लो कहते दो मिनट लेट हो नहीं तुम्हारी बातें हो जाती हैं कसम से क्या बात चलो चलो एंड वेलकम वेलकम टू एग्रीकल्चर अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन मेरा नाम है आकाश वाजपेयी और आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर ट्वेंटी फोर सेवन और आज रात को आठ बजे हमारी ये जो क्लास होती है वो डेली हो चल रही है आज शनिवार रात्रि है शनिवार रात्रि हम लोग क्या करते हैं रैपिड फायर रिवीजन राउंड करते हैं जिसमें हम पचास क्वेश्चन करवाते हैं जो हमने पूरे हफ्ते करवाए होते हैं उन्हीं में से पचास क्वेश्चन को निकालते हैं और आपको करवाते हैं ठीक है चलिए शुरू करते हैं यार ये तो कॉपी हो गया <laughs> चलिए तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दें जिससे कि आपको हर एक अपडेट बिल्कुल टाइम पर मिले ठीक है और हमें इंस्टाग्राम पे भी आप एग्रीकल्चर अंडर ट्वेंटी फोर सेवन के नाम से फॉलो कर सकते हैं ये हमारी रेगुलर क्लास की टाइमिंग है जो आपको डेली अटेंड करनी है साथ ही साथ हमारी कल एक मैराथन आ रही है वो मैराथन किस लिए है जो पंजाब के बच्चे हैं पंजाब के सब इंस्पेक्टर एग्रीकल्चर का जो सब इंस्पेक्टर है उस एग्ज़ाम के लिए है तो जो बच्चे उस एग्जाम को देने वाले हैं तो कल के मैराथन को अटेंड कर सकते हैं ठीक है कल ग्यारह बजे से क्लास आपकी स्टार्ट हो जाएगी ठीक है बाकी रेगुलर क्लास की टाइमिंग है तो आपको टाइमली अटेंड करनी है बहुत समय अच्छे तरीके से ठीक है पहला क्वेश्चन मोस्ट वाइडली यूज फनजी साइड फॉर द कंट्रोल ऑफ रफ्ट रस्ट के कंट्रोल के लिए मोस्ट वाइडली यूज फनजी साइड कौन सा है एक रुकना ओहो थोड़ी सी गलती हो गई है पीपीटी गलत आ गई है चलो जब जरा बताना मुझे एक मिनट में पीपीटी सही करके आ गया योर हेल्थ नाउ आई एम गुड अगर मेरे घर बोल बोल रहे हो तो तो मैं देखो हमने आपकी पीपीटी मर्ज की थी वो मर्ज वाली शायद आना भूल गई थी तो हमने उसे बुलाना जरूरी समझा ठीक है तो वो जस्ट अभी दौड़ दौड़ते हुए आ रही होगी तब तक मैं आपको बता दूँ ठीक है हाँ सर कहाँ से लगे ये तुम्हें वॉइस आ रही है क्या नालायको हाँ रुको एक रुपो बस पीपीटी आ रही है मैंने भेज दी आ गई सैटरडे रिविजन क्लास ठीक है तो रिविजन क्लास में हमने आपके लिए टॉप क्वेश्चन रखते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं ठीक है तो वो एक जैसा फॉर्मेट है ना, तो दूसरी पीपीटी आ गई थी चलो अब ये पहला क्वेश्चन है ठीक है अब बताओ लिखा द प्रोसेस ऑफ रेजिंग अ फॉरेस्ट ऑन अ फॉरेस्ट लैंड आफ्टर द फॉरेस्ट इज क्लियर टिम्बर एंड अदर पर्पज ठीक है तो हमने आपको कुछ और चीजें करवाई थी ठीक तो उन्हीं के हिसाब से आज सैटरडे है तो आज मैं पूरा रिविजन करवाता हूँ तो जो बच्चे मंडे टू मंडे टू फ्राइडे अटेंड नहीं करते हैं वो अटेंड कर लेकर टाइम से मेरी <laughs> केविन जो है बहुत दूर है <laughs> भाग के गया और पीपीटी सेंड करके आया हूँ बोलो तो इसे क्या बोल देंगे तो इसे हम लोग क्या बोल देंगे रीफॉरिस्टेशन बोल देंगे ठीक है ये मैं करवा भी चुका हूं तो फटाक से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं नेशनल बंबू मिशन कब आया 2006, 2002, 2010 या 1979 बोलो भाई फटाफट बोलो ठीक है सैटरडे को जनरली में देखा है बच्चे कम रहते हैं ऐसा क्यों है भाई हाँ या तो आप अब हमें लगता है कि नए क्वेश्चन नहीं होते इसलिए ऐसा करते हो क्या हाँ हाँ बोलो फटाफट फटाफट बोलो हाँ बोलो बोलो ओके एंसर क्या रहेगा दो हजार छह नेशनल छह में आया था वर्ल्ड स्पैरो जल्दी बाकी अगर आप कोई नए हो तो मंडे टू फ्राइडे जरूर किया कवर कर रहे हैं जिसमें मैं पैथोलॉजी समय करवा रहा हूं तो मैंने कल की में पैथोलॉजी करवाई थी दो चार नालायक है जो सैटरडे को सिर्फ आते हैं फ्राइडे वाली क्लास को जरूर देख लेना इंपॉर्टेंट है ओके क्या है बीस मार्च को वर्ल्ड स्पैरो मनाते हैं बीस मार्च को मनाते हैं अगला क्वेश्चन कार्बे नेशनल पार्क कहां पर स्थित है असम वेस्ट बंगाल उत्तराखंड या गुजरात बताइए नेशनल पार्क कहां पर स्थित है फटाफट बोलिए ओके ओके फटाफट 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 बोलो जिम कार्बेट नेशनल पार्क कहां पर है असम वेस्ट बंगाल उत्तराखंड या फिर गुजरात है भाई ओके ओके ठीक है आज सिर्फ क्वेश्चन आंसर राउंड होता है या फिर क्या रहेगा उत्तराखंड में स्थित है कहां है उत्तराखंड में जिम कार्बेट का पुराना नाम क्या था नेशनल पार्क था क्या था बेटा हैली नेशनल पार्क के नाम से था ठीक है और अब क्या है जिम कार्बेट नेशनल पार्क है ठीक है याद रखिएगा अगला क्वेश्चन

ओके याद रखिएगा अगला क्वेश्चन द फॉलोइंग मोस्ट सक्सेसफुल टोंगिया इनमें से कौन सा टोंगिया ऐसा है जो सबसे सक्सेसफुल होता है डिपार्टमेंटल टोंगिया ठीक है लीज टोंगिया बिलेस टोंगिया इनमें से कोई नहीं टोंगिया के बारे में भी मैं आपको डिटेल में पढ़ा चुका हूं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू काफी जरूरी क्वेश्चन है देखो मैं आपको बार बार बता दूं कि आ, अगर आपने अभी तक क्लास नहीं देखी कोई बात नहीं लेकिन 200 नंबर से भी क्लास को देखना स्टार्ट कर दो जब तक आपके एफ का एग्जाम नहीं हो जाता आप देखना आपके बहुत से क्वेश्चन इस क्लास से आएंगे तो डोंट वरी रहो ठीक है मंडे टू फ्राइडे वाली क्लास जरूर देखो ये क्लास थोड़ी कॉम्प्लीमेंट्री देख सकते हो नहीं भी देख सकते हो क्योंकि रिविजन है क्वेश्चन राउंड होता सिर्फ ओके तो कौन सी ये बिलस्ट बिल्कुल सही है ऑफ इज मल्टीपर्पज ट्री इनमें से कौन सा मल्टीपर्पज ट्री है पोंगेमिया पिन्नाटा मोरिंगा या ऑल ऑफ दटाफट बोलिए ओके okay, ओके okay. तो इसके अंदर क्या हो जाएगा बिल्कुल सही है भाई ठीक है मल्टीपर्पज ट्री कौन सा है ठीक है तो ऑल ऑफ ये वहनिया वेरीगोटा पोंगेमिया पिन्नाटा और मोरिंगा ओलीफेरा जो है ये सभी मल्टीपर्पज ट्री माने जाते हैं कैसे बेटा ये सभी मल्टीपर्पज ट्री माने जाते हैं आगे देखिए विच आर दी फॉलोइंगे फॉडर कम फ्यूल फूड उड क्राफ कौन सी है तो फॉर्डर कम आ, फ्यूल उड स्पीसीज कौन सी है एलबीजिया स्पेशज एलियंथल स्पेशज लुसियाना लिको से फटाफट बताइए कौन कौन सी सी ऐसी है? कम फ्यूल वुड कौन सी है? है है कम 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 बोलो, बोलो, हाँ, ओके? <laughs> चलो, रहेगा? ठीक तो तो सभी जो है कम, आ, कम है, तो ये भी काफी आपके लिए अगला क्वेश्चन द लैक इन विच सरफेस टेम्परेचर वेरी अब बिलो एंड चार डिग्री सेल्सियस तो ऐसी लेक को क्या बोलते हैं जहां टेम्परेचर चार डिग्री सेल्सियस से ऊपर नीचे होता रहता है क्या बोलते हैं टेम्परेट लेक्स बोलते हैं क्या बोलते हैं भाई टेम्परेट लेक्स बोल देते हैं प्रोटीन कोटा वायरस वायरस के प्रोटीन कोट को क्या बोलते हैं फटाफट 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 देखो जितना रैपिड फायर को देखो मेरा ये मानना है कि 25 मिनट में आपको लगभग 50 क्वेश्चन में करवा दूं सैटरडे को बाकी उस दिन मैं 10 पंद्रह बीस क्वेश्चन में करवाता हूं वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो मैं अलग से लिखवाता हूं पर सैटरडे को मैं कुछ नहीं लिखवाता हूं ठीक है पर मंडे को जो क्लास कराऊंगा तो पैथोलॉजी के क्वेश्चन करवा रहा हूं भाई मंडे वाली क्लास मैं छोड़ना तो मैं आपको क्वेश्चन के साथ लिखवाता हूँ ज्यादा हूँ पैथोलॉजी में लगभग पूरी पैथोलॉजी खत्म कर दूंगा एक ले चुका हूँ एक दो क्लास और में ठीक है अंदर क्या रहेगा कैप्सिड बोलते हैं बिल्कुल क्या बोलते हैं कैप्सिड बोलते हैं लेंथ ऑफ गुंटूर जेड गुंटूर चेन की लेंथ कितनी होती है ये मैं बहुत पहले मैंने क्वेश्चन करवाया था जब मैं कोड लिखता था वाई छः सुबह है ठीक है आपको तो आजकल नहीं लिखता हूँ हंड्रेड फीट पचास फीट छप्पन फीट या छाछ फीट तो आंसर क्या हो जाएगा तो इसके अंदर रहेगा क्या बेटा सिक्सटी सिक्स फीट तो लेंथ ऑफ गुंटूर जेन जो आपके घुटूर चेन होती है उसकी लेंथ कितनी होती है तो छाछठ फीट जो है उसकी लेंथ मानी जाती है अगला एक जोटर चेन होती है हाउ मेनी गुंटर चेन में कितनी लिंक्स होती हैं ठीक है गुंटर चेन में जो कड़िया होती हैं कड़ियां कितनी कड़िया होती हैं सौ कड़िया होती हैं चौवन कड़िया होती हैं छाछ कड़िया होती हैं छप्पन कड़िया होती हैं ये भी बढ़िया क्वेश्चन है एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट अपने आप हो गया ठीक है आगे देखते हैं तो क्या हंड्रेड लिंक्स होती हैं कितनी बेटा सौ लिंक्स मानी जाती हैं अगला क्वेश्चन है चिपको मूवमेंट स्टार्टेड ये भी ए में पूछा गया क्वेश्चन है तो एफ का ही क्वेश्चन है चिपको मूवमेंट कब से स्टार्ट हुआ नाइनटीन सेवेंटी थ्री नाइन एट्टी नाइटी सेवेंटी फाइव या नाइनटीन सेवन वन बताइए चिपको मूवमेंट कब से स्टार्ट हुआ फटाफट फटाफट बोलो चिपको मूवमेंट कब से स्टार्ट हुआ उन्नीस सौ तिहत्तर उन्नीस सौ अस्सी उन्नीस सौ पचहत्तर या उन्नीस सौ इकहत्तर क्या हो जाएगा उन्नीस सौ तिहत्तर नाइनटीन सेवेंटी थ्री में स्टार्ट हुआ ठीक है ओके okay. अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है हाँ अब ये क्वेश्चन जो है ये आपके ये जो अभी हमने फ्लाइट करवाई है दस मिनट ने में ये आपकी पुरानी क्लास का था ये जो क्वेश्चन हैं ये हमने इस हफ्ते करवाए हैं ठीक है तो एक ट्वाइट लेके आता हूं मैं जो पुरानी कोई क्लास होती है ये इसी हफ्ते का है ठीक है तो बीच फॉलोइंग नेशनल फ्रूट ऑफ ईरान ईरान का नेशनल फ्रूट क्या होता है ठीक है आपको मैंने पढ़ाया है अनार आंवला सपोटा डेट पाल तो क्या हो जाएगा अनार जो है ये आपका किसका ईरान का नेशनल फ्रूट माना जाता है क्या है ईरान का नेशनल फ्रूट क्या है आंवला अनार है ठीक है आंवला से पूछता चकिया कंचन और कृष्णा किसकी वैरायटी है तो चकिया कंचन और कृष्णा तीनों आवला की वैरायटी है ठीक है कृष्णा सर तुम्हारे आवला की वैरायटी खट्टे आदमी है, है भैया विटामिन सी ज्यादा होती है उनके अंदर ठीक है 600 से 800 के आसपास होती है और क्या करते हैं पैच बडिंग करते हैं ठीक है याद रखिएगा सपोटा क्या है क्रिकेट वाल क्या क्रिकेट वाल जो है ये सपोटा की वरायटी है ठीक है और काली पत्ती डेट पाल से पूछा जा सकता है डेट पाल्म की चार स्टेज होती है एक होती है गंदोरा स्टेज एक होती है पिंड स्टेज एक होती है डोका एक होती है डेंग ठीक है तो, तो ग्रीन स्टेज होती है वो गंदोरा स्टेज होती है जो ओवर राइप स्टेज होती है ठीक है वो आपकी पिंड स्टेज होती है जो हल्की सी रेडिश कलर की स्टेज होती है जो इंडिया में हार्वेस्ट होती है दैट इज डोका स्टेज और वर्ल्ड में डेंग स्टेज पर हार्वेस्ट होता है बरही जो है इसकी फेमस वरायटी कौन सी बरही इसकी बरही या फिर कैसे हलावी ये इसकी फेमस वरायटी मानी जाती है ठीक है याद रखिएगा आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द सीड रेट ऑफ रिज गार्ड रिज गार्ड की सीड रेट कितनी होती है थ्री पॉइंट फाइव से फाइव के जी टू के जी हंड्रेड के जी या फिर सिक्स टू टेन के जी एंसर क्या हो जाएगा देखो थ्री पॉइंट फाइव टू फाइव के जी देखो आज के दिन जितना रेपिड में करवा रहा हूँ उससे रैपिड आपकी नेटवर्क भी होनी चाहिए और आंखें बिल्कुल गड़ी होनी चाहिए तेजी से अगला क्वेश्चन है द ट्रेनिंग सिस्टम फॉलोड इन अनार अनार में कौन सा ट्रेनिंग सिस्टम अपनाते हैं

मंडे टू फ्राइडे हम स्टार्टिंग में लिखवाते हैं तो लिखवाने वाले पॉइंट लिख लो बाबू एग्जाम में आएंगे लिख लिया करो नहीं तो बहुत धुनू हो बहुत समझे तुम्हें हाँ क्या है भाई सी मल्टी स्टेम सिस्टम कौन सा भाई मल्टी स्टेम सिस्टम आगे देखो रेगुलर बीरिंग इन मैंगो कैन बी इंट्रोड्यूस विद द एप्लीकेशन ऑफ तो रेगुलर वीरिंग जो मैंगो में है किससे इंड्यूस किया जा सकती है पैकलोमिटोजाल इथोफोन ऑक्सिन या एबीए बी ए आंसर क्या बढ़ाएगा डी यानी कि एबीए किससे बेटा हाँ तो कैन बी बढ़ाई जा सकती है किससे एबीए से आप उसे इंड्यूस कर सकते हैं हाँ मोडी एप्पल जो है वह इंट्रोड्यूस इन इंडिया मोडी एप्पल इंडिया में किससे इंट्रोड्यूस हाँ हाँ ये हाथ जोड़ने कोई बेबसी वाले हाथ नहीं जोड़ रहे हैं वो कभी कभी नहीं होता है महाराज तुम्हें हम माफ करो हमें ठीक है ये वो वाले हाथ जोड़ने वाले बोल रहे हैं वाह तुम पे हार गए ठीक हाँ, हाँ है ये हाँ समझे अब तो सुधर जाओ पढ़ करो। क्या है भैया इटली आंसर अगला क्वेश्चन फ्रूट कहार करते हैं करंट सीजन पर वेरी ओल्ड पर वन या वन ईयर ओल्ड बोलो भैया हाँ देखो पैक्रोविटोल अल्टरनेट वियरिंग तो के लिए होता है ठीक है अल्टरनेट वियरिंग के लिए पैक्रोविटोल होता है अगर जो रे, आप जिसमें रेगुलर वीरिंग हो रही हो ठीक है वहां पर अगर फ्लावरिंग को इंड्यूस करना है तो आप आप क्या करोगे तो आप, ए, आपका एवीए डालोगे ठीक तो हाँ आ, ठीक तो ध्यान रखना दोनों चीजों में बाबू आस्था बेटा चलो आगे देखो तो क्या हो जाएगा करंट सीजन ग्रोथ क्या है भैया करंट सीजन ग्रोथ है करवाए हो क्वेश्चन फिर गलत कर देते हो नाला को विच डिजीज मोस्टली अगर इन हाई डेंसिटी प्लांटिंग इन बनाना हाई डेंसिटी बनाना की प्लांटिंग अगर कर, कर रहे हो ठीक है तो कौन सा डिजीज हो जाएगा फिंगर टिप बंची टॉप बनावा सिगर बोलो बोलो भैया प्राची राहुल अमित शरद ऋतिक रानी मधुरिमा सोनाली निहारिका बोलो फटाफट बोलो ओके प्रकाश अंतर रहे क्या रहेगा डी यानी कि लीफ स्पॉट क्या देख रहे हो ये हूँ गलत कर दिए ये यह तुम्हें लोग सुधरियो थो थोड़ा हो कितनी तुम्हारी डांट हो कितनी मार पड़े लेकिन सुधरियो थोड़ा हो कसम से हैं है सबसे डंडिया ले धुनो चाहिए तुम्हें रिविजन गलत कर दे रिविजन करवा रहे तब तो कम से कम सही बताओ चलो आगे बताओ

हाँ। ये भी करवाया था तो गलत करोगे सब आंसर बताओ क्या है भैया सी कारपेट बेड अगला क्वेश्चन पर हेक्टर सीरेट ऑफ ऑनियन ऑनियन की पर हेक्टर सीरेट कितनी तो बोलो हाँ लाइक को एक बटन पर भी प्रेस कर दिया करो ना को ओके आंसर क्या हो जाएगा हाँ सी आठ से दस किलो और जरा बताओ गार्लिक की सीरेड कितनी हो भैया हाँ हाँ बोलो गार्लिक की सीरेट कितनी होती है मोटी चमड़ी है साथ नहीं सुधरेंगे चाहे पीट लो हाँ अरे मटन नहीं चलो बताओ आंसर क्या हो जाएगा हाँ आंसर क्या रहे भैया गार्लिक के लिए गार्लिक के लिए बोलो पाँच सौ किलो पाँच सौ किलो आगे देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पर्पल फ्लावर ट्री पर्पल फ्लावर ट्री कितना बोलो केसिया फिस्टूला केसिया जवानिका केसिया से ये बहुनिया पर्पिया बोलो आंसर क्या रहेगा हाँ बोलो बोलो आंसर क्या हो जाएगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर ट्री ओके आंसर क्या रहेगा डी यानी कि बहुनिया बढ़िया अगला क्वेश्चन डिनर टेबल अरेंजमेंट वेयर फ्रूट एंड वेजिटेबल यूज फ्लावर कार्ड बताइए बताइए जपनीज डिनर टेबल अरेंजमेंट वेयर फ्रूट एंड वेजिटेबल आर यूज ये भी पढ़ाया था हमने इक्की बाना मोरी वाना मोरी वाना जीजू बाना सब पढ़ाए हैं पेड़ तो पढ़ाए या यूट्यूब पे भी पढ़ाए हैं लेकिन पढ़ो तब तो पता लगे क्या आंसर हो जाएगा बोलो सी मोरी मोना क्या हो जाएगा मोरी मोना ठीक है मोरी बाना क्या होता है फ्लावर को सेलो कंटेनर में पिल्ड कर देते हैं हाँ मोरी बना उसी को नेचुरल इकवाना बोल देते हैं पढ़ाते थे ना आगे देखो कोरिएंडर ओरिजिन कोरिएंडर कहाँ से ओरिजिन हुआ है ठीक तो इंडोनेशिया रीजन से ओरिजिन हुआ है ठीक अच्छा आगे देखो टारगेट यानी कि नेक्स्ट क्लास <laughs> नेक्स्ट क्लास रोज डे कब कर सेलिब्रेट करते हैं देखो जो क्लास आप पच्चीस मिनट पढ़ाते हैं उस क्लास से पाँच पाँच छः छः मिनट में निपटा रहे हैं क्यों क्योंकि यार रिविजन क्लास है इसीलिए इसे पुराने क्वेश्चन हैं यह ध्यान रखा करो हाँ वाई टी पे कब पढ़ा है तुम अटेंड तब तो पढ़ा लगेगा आ, बोलो रोज कब मनाते हैं पच्चीस जून सात फरवरी चौदह फरवरी अब अगर इसका आंसर किसी ने गलत किया आशुतोष कुमार कह रहे हैं सात फरवरी hmm. अभी भी कुछ सात फरवरी बोल रहे हैं सुधर जाओ कह रहे हैं भैया रेगुलर क्लास देखो जितने चौदह और सात फरवरी बोल रहे हैं ना इतने धुने जाओगे कसम से टाइम से आज यही तुम्हारा टेस्ट होता है मंडे टू फ्राइडे पढ़ाते तुम्हें क्या लगता है यूट्यूब पर टेस्ट नहीं हो सकता है, गलत कर रहे है? के में। किसी दिन देख आ, लंबे जाओगे तुम जून सुधर हो समझ गए हाँ मधुरी तुम भी सुधर जाओ राम नालायक है पच्चीस जून को आते हैं गुलाब दिवस ठीक है लिख लो भैया एग्जाम में पच्चीस जून लगा के आना सात फरवरी के चक्कर लटक जाओगे समझ गए बहुत दुष्ट हो भैया हाँ, आगे देखो सिल्क वर्म बिलोंग टू द फैमिली सिल्क वर्म किस फैमिली से बिलोंग करता है बोलो भैया तो सिल्क वर्म जो है ये भैया बॉम्बे सी फैमिली से बिलोंग करता है किससे बॉम्बे सी फैमिली से, से। लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ सिल्क इन द वर्ल्ड वर्ल्ड में सिल्क का सबसे बड़ा लार्जेस्ट कंज्यूमर कौन है चाइना इंडिया लंका या फिर ईरान बोलो ये भी करवाए हुए क्वेश्चन हैं करवाए हुए क्वेश्चन गलत मत करना कल पता करवाता था कल भी आगे कराएंगे हाँ क्या हो जाएगा इंडिया सबसे लार्जेस्ट कंज्यूमर है सेंट्रल रीकल्चर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहां पे बोलो सेंट्रल सेरिकल्चर रिसर्च ट्रेनिंग ये भी मैंने करवाए हैं परसों या नर्सों करवाए थे मैंने ये डिटेल में लिखवाया भी था तो तब अटेंड करो तब तो, तो, तो पता लगेगा क्या हो जाएगा मैसूर बेंगलोर में क्या बताया था याद ही नहीं होगा मैसूर आगे देखो मल्टी ट्रॉपिकल टॉसर सिल्क वर्म मेली ग्रोन इन ये भी कराया हुआ क्वेश्चन है बढ़िया क्वेश्चन बोलो मल्टीबोटाइन ट्रॉपिकल टॉसर सिल्क वर्म बोलो भैया टर्मिनलिया अर्जुना ओक मलबेरिया ऑल ऑफ दी अब बोलो ट्रॉपिकल अब ये गलत करोगे तो धुने जाओगे ये भी पढ़ाया था सब पढ़ाया था लेकिन टाइम से अटेंड तो करो तो पता लगे हाँ ट्रॉपिकल अर्जुना क्या बोल रहे टर्मनिया अर्जुना आगे देखो कॉमर्शियल इज नोन एज कॉमर्शिय लैक को क्या बोल देते हैं बोलो कॉमर्शली लैक को क्या बोलते हैं सेल ट्रीडेस, या ऑल ऑफ ट्रीडीएस बोलो क्या बोलेंगे भैया कॉमर्शली लैक को हाँ यानी कि सिलैक बोल देंगे क्या बोलेंगे ऑफ दी सिलैकोइंग सोर्स ऑफ आयरन कौन सा आयरन का अच्छा सोर्स है करौंदा जामुन फालसा चेरी बोलो भाई तो क्या है ए यानी कि करौंदा तो आरन का अच्छा सोच क्या है करौंदा है प्लांटेड प्लांटेडा बाउंड्री और फॉर फेंसिंग एंड यूज फॉर द ऑर्नामेंटल इट इज यूज फॉर द ऑर्नामेंटल एंड प्रोटेक्टिव पर्पज करवाया हुआ क्वेश्चन अभी समझाया भी था हैज एज ट्रोपरी हर बोलो क्या बताया था मैंने हैज बताया था प्रोटेक्टिव के लिए हैज ओनली ऑर्नामेंटल के लिए और लो ग्रोइंग के लिए एज होता है ठीक है क्या होता है लो ग्रोइंग के लिए एज होता है हाँ लाइटें लगा दोगे तो ट्रॉफी हो जाएगा ठीक है क्या प्रौ, लगा दो ट्रॉफी हो जाएगा लाइट लगा दोगे लो पेरियल ट्री को क्या बोलते हैं हर बोल देते हैं सॉरी जिनमें लकड़ी होती है हर बोल देते हैं और लो पेरिन्री को सरफ बोल देते हैं ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट ट्रांसजेनिक वैरायटी ऑफ टमाटर ऑफ टमाटर तमार्ट, टमाटर टोमेटो की या टोमेटो की पहली ट्रांसजेनिक वैरायटी कौन सी है फ्लेवर सेवर पूसा रोहिणी पूसा शीतल अर्का मेघाली बोलो भैया बढ़िया क्वेश्चन है बोलो फटाक से आंसर क्या हो जाएगा फ्लेवर सेवर पढ़ा चुके हैं पचासों बार द दूनिटी ऑफ फर्टाइल पोलन आंसर कमेंट में ही है मतलब क्वेश्चन में ही है स्टिग्मा को हम लोग क्या करते हैं वैक्सी फिल्म से कवर कर देते हैं जब तक वो वैक्सी फिल्म नहीं टूटेगी तब तो तक स्टिग्मा नहीं हो पॉलिसी नहीं होगा क्या बोलेंगे हर को गेमी पढ़ा चुके हैं कई बार इसीलिए कह रहे हैं सैटरडे को रिवीजन करवाते हैं हाँ तुम तो, तो एक तो रिवीजन में कम लोग आते हो बर्द गलत करते हो बीनियर ग्रेफ्टिंग डन तो बीनियर ग्रेफ्टिंग मुख्यतः किस में करते हैं मैंगो में करते हैं आजकल आंसर पहले जा रहा है अब ये भी कल पढ़ाया था इसको समझाया भी था डिटेल में समझाया था डिटेल में अप्लाइड एनी प्रोसेस परसों पढ़ाया था होल ऑर अंडर फील्ड कंडीशन वेयर देयर आर नो कंट्रोल ओवर द बोलो इनवायरमेंट पर जहां कोई कंट्रोल नहीं होता क्या बोलते भाई फटाफट बोलो क्या, बोलो। hmm. क्या बोलेंगे इन विवो बोलेंगे और जहां होगा वहां विट्रो बोलेंगे पूछा गया क्वेश्चन है प्रदर्शनी किसकी वैरायटी है क्वेश्चन बताया भी था समझाया भी था पूरी कहानी सुनाई थी आपको कहानी सुनाई थी याद होनी चाहिए ग्लेडियोलस ओके तो ये फोर्टी एट ऐसे क्वेश्चन है जो आपको बाईस मिनट में करवाया चार क्लास के चार क्लास के क्वेश्चन आपके हो चुके हैं फोर्टी एट समझिए तो ये जो छोटे छोटे क्लास लेते हैं बेटा सैटरडे क्लास आप स्किप करो कोई बात नहीं क्योंकि कुछ हम नया नहीं करवाते हैं लेकिन बेटा मंडे टू फ्राइडे वाली क्लास मत छोड़ो मैं आपको बार बार बोलता हूँ मंडे टू फ्राइडे मत छोड़ो क्योंकि मंडे टू फ्राइडे आपको क्वेश्चन भी मिलेंगे प्लस जो मैं लिखवाता हूँ लिख लिया करो और जिस दिन एफ ओ पेपर देके आओगे उस दिन बस आगाज के नीचे आके एक लिख देना कि हाँ पर कितने क्वेश्चन आए थे मैं आपको बोल देता हूँ ठीक है क्वेश्चन वाला कोई कुछ भी बोले पर मैं आपको इतना ज़रूर बोल दूंगा कि मंडे टू फ्राइडे भी अगर आपने अटेंड कर लिया पेड बेच पर इनरोल नहीं किया कोई बात नहीं मंडे टू फ्राइडे अटेंड कर लो सैटरडे को उन्हीं में से मैं क्वेश्चन बताऊँ ज्वाइन कर लो पच्चीस मिनट की क्लास होती है टाइम अटेंड कर लो कोई दिक्कत नहीं होगी ठीक है एक बार करके तो देखो फिर पता लगेगा समझ गया तो बहुत आराम से बैठो ठीक भैया कोर्स वगैरह बताएंगे तो जो बच्चे जाने चाहते जा भी सकते हैं ठीक है देखो ध्यान से देखो ये क्या आग वाग जल रही है भाई ठीक है अच्छा देखो मैं आपको बता दूँ जो बच्चे कोर्स में इनरोल करना चाहते हैं आपको क्या करना है अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन सर्च करना है जैसे अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन सर्च करोगे या कमेंट से आपको ऐप को डाउनलोड करना है जैसे ही जाओगे ठीक है डाउनलोड करने के बाद एग्रीकल्चर में पहुँचोगे एग्रीकल्चर में आप जाओगे कहते हैं एफ ओ के कोर्स में एफ ओ का नया बैच पच्चीस तारीख से आ रहा है इसमें प्री जो पढ़ाएंगे नवनीत तिवारी सर मैथ पढ़ाएंगे शुभम सर आपको इंजीनियर पढ़ाएंगे और आ, आपको संतोष रेसर संतोष रेसर आपको इंग्लिश पढ़ाएंगे ठीक है बाकी आपको सिक्स फैकल्टी जो है ये मेन्स पढ़ाएंगे ठीक है ये बैच है आपका तो इसमें आपके पी के फैकल्टी थोड़ी चेंज है याद रखिएगा वाई नाउ पे क्लिक करिए डिस्काउंट कोड अप्लाई करिए वाई छः सो बारह वाई छः सौ बारह अप्लाई करके कोर्स में इनरोल कर सकते हैं आपको प्राप्त हो जाएगा बैच ठीक है हाँ सर क्वेश्चन आर ऑसम बट सर एफ ओ में क्वेश्चन की लेंथ ज्यादा होती है प्लीज़ सर हो सके तो ऐसे क्वेश्चन लाइए अर्जुन में आते हैं सर बिल्कुल सर वैसे क्वेश्चन लाएंगे पर अभी मैं आपको ज्यादा फ्लेबस कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ अभी मैं एफो की प्रैक्टिस नहीं करवा रहा हूँ आपको मैं ज़्यादा फ्लेबस कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ इसलिए क्वेश्चन में जो लाता हूँ उनके साथ जो मैं लिखवाता हूँ उस पर फोकस करो ठीक है जब एफओ का पेपर नजदीक आएगा तो मैं वैसे क्वेश्चन भी करवाऊंगा तो अभी मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं अभी आपको सिलेबस कवर करा रहा हूँ ठीक ये जो क्लास है ये जनरल एग्रीकल्चर की क्लास है तो इसमें पूरे पूरे एग्रीकल्चर को समेटता हूं मैं पूरे एग्रीकल्चर को इसीलिए करवाता हूं ठीक है वरना मुझे भी डोंट वरी रो हाँ जैसे आपका पेपर आ जाएगा नजदीक तो मैं करवा दूंगा इसमें आपको एक सब्जेक्ट नहीं लगेगा इसमें आपको ऑल ओवर सब्जेक्ट मिलते हैं तो ये पूरे सिलेबस को कवर कर रहा हूं तो सिलेबस को कवर कर रहे हैं इसलिए छोटे क्वेश्चन है ताकि टाइम कम हो और उसको लिखने में ज़्यादा टाइम जाए ठीक है बाबू इसलिए ऐसा है ओके चलो बाकी आपने अर्जुन बैच की बात की ध्यान दो अगर आपको बहुत अच्छे तरीके से सॉयल साइंस वीड साइंस ऑर्गेनिक फॉर एग्रीकल्चर यानी कि कंप्लीट एक तरीके से पूरे सब्जेक्ट को पढ़ना है तो अर्जुन बैच है आपका जाइए वाई छह सौ बारह अप्लाई करिए अप्लाई करते ही तीन सौ चौवालीस का बैच मिल जाएगा कौन से तीन सौ पांच का मिल जाएगा तो इस बैच में इन कर लीजिए प्रॉपर तरीके से बैच आपका स्टार्ट हो जाएगा ठीक है अगर आप मेरे से डिफिट बनना चाहते हो तो ये आग फाइव पॉइंट जीरो बच है आग फाइव पॉइंट जीरो में इस समय ओल्ड्री कल्चर चल रही है ठीक खत्म हो गई तो आज से लैंडस्केपिंग कल से लैंड परसों से लैंडस्केपिंग स्टार्ट हो जाएगी तो हॉर्टिकल्चर एक्सटेंशन और बीड साइंस में करवाऊंगा अगली बार बीट साइन नहीं होगी तो इस बार हॉर्टिकल्चर एक्सटेंस बीट साइंस हो जाएगी वाई ना पे क्लिक करिए डिस्काउंट कोड अप्लाई करिए वाई छः सौ बारह अपलाई करते ही आप इसमें सात सौ रुपए में पूरा बैच इनरो कर पाएंगे ठीक है तो प्रॉपर तरीके पर बढ़िया कोई दिक्कत तो है मुझे हाँ 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 हॉर्टिकल्चर भी करवा देंगे डोंट वरी ठीक है डों हॉर्टिकल्चर भी करवा देंगे डोंट वरी वराइटी मैं आपको याद करा दूंगा तो परेशान मत हो ये आपका डिटेल बैच बैठे हॉटिकल्चर का वाई छह सौ बार आप लगे इनरोल कर सकते हो ठीक अब मिलेगा मंडे को तो मंडे को टाइम से मिलना अपना ख्याल रखना चैनल को सब्सक्राइब करना और कल मेरा में भी आना ठीक है जय हिंद लव यू ऑल राधे राधे